हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं गुड़गांव से आया था, दिल्ली आ चुका हूँ मैं, तो गुड़गांव से दिल्ली की क्लिप एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम गुड़गांव से राजा भैया के रथ पे बैठ के, और चलते हैं आपको आज दिखाते हैं नज़ारे गुड़गांव से दिल्ली के। नज़ारे देखिए आप मेट्रो के। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, मज़ा आएगा, चलो साथ में एंजॉय करेंगे। और भाई, इन दोनों भाइयों की बातचीत हो रही है, बहुत ज़रूरी बातचीत कर रहे हैं भाई। अगले महीने गांधी जी का बर्थडे है, तो उसकी प्लानिंग चल रही है दोनों भाइयों की। दोनों भाइयों की बात सुनते सुनते सामने दिख गया हमें जाम, तो नाक की सिधाई में ना जाके राजा भैया ने ले लिया उल्टी साइड को, और हम उल्टी साइड को निकल गए। इधर से जाम कम था, जाम से बचते बचाते राजा भैया ने हमें सही सलामत छोड़ दिया मेट्रो के नीचे। और भाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो का नाम चेंज हो गया है। बहुत सही भाई, बहुत सही। चलो चलते हैं अब अंदर और करते हैं अपना कार्ड रिचार्ज, और इसके बाद चलते हैं, लगते हैं लाइन में। लाइन देख के तो लग रहा है आगे हमें मिलने वाला है जाम। चलो अब यहाँ से लेते हैं एंट्री, लेते हैं और करते हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई। और भाइयों, आज हमें सीट मिल जाएगी, क्योंकि आज हमारे पास है एक निंजा टेक्निक, अपने पैर में लगी हुई है चोट और हमने बांधी हुई है पट्टी, तो देखते हैं सीट तो ले ही लेंगे। बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है, और ये जो वैष्णो देवी की चढ़ाई हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सही। चलो अब हम आ गए हैं ऊपर और करते हैं मेट्रो का इंतज़ार, और मेट्रो आते ही घुस जाना है हमें अंदर सबसे पहले। चलो भाई, मेट्रो भी आ गई, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं सीट। बहुत सही सीट भी मिल गई अपने को, तो अब बैठ गए हैं तो बाहर के नज़ारे ले लेते हैं थोड़े से। एक तो पैर में चोट लगने की वजह से चेहरे की रौनक गायब हो गई है। चलो भाई, चेहरे की रौनक देखते देखते हम पहुंच गए हौज खास, और गेट खुलते ही उतरा। और भाई, वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आए थे, तो अब भैरव बाबा की चढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो ये भी पार करते हैं, पार करते करते बढ़ते हैं आगे। यार ये गोल गोल चक्कर है, अगर हम यहाँ 7 फेरे ले लेंगे तो शादी हो जाएगी क्या? चलो छोड़ो, मजाक सेट के आगे चलते हैं, अभी भैरव बाबा की करेंगे चढ़ाई। मेट्रो में घूमने में एक बात तो है, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको आदमी मिल जाएंगे। ये देखो, मैगी सी बनी हुई लड़की। यार यहाँ से कोई कुछ लेता भी होगा कि नहीं लेता होगा? मेरे को तो नहीं लगता है कोई कुछ लेता होगा। चलो छोड़ो, हमें क्या करना, चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये तो है हौज खास में स्टॉल बहुत बढ़िया बढ़िया है, अगर साथ में निधि होती तो कुछ खाया भी जाता। एक तो मेरे को मैकडी वाले वैसे बुला रहे हैं भाई, मुझे मैकडी वाला ना चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, पर निधि आपकी वजह से सिर्फ नहीं जा रहा हूं मैं। चलो भाई, अभी तो इतनी चढ़ाई की है तो उतरना तो पड़ेगा ही। चलो उतरते हैं। ओहो, सामने दो रास्ते, किस साइड जाया जाए? चलो अपना लेफ्ट साइड से निकलते हैं। यार लेफ्ट ही भी तो है, चलो लेफ्ट साइड। ओहो बहुत सही, बहुत बढ़िया भीड़। चलो अपने पास तो यंत्र है, इससे मिलेगी सीट अपने को। निकल जाओ भाई साहब, ये यंत्र देखो अपना, बहुत सही भीड़ है भाई। जल्दी जल्दी पहुँचाओ भाई, जनकपुरी पहुँचाओ यार। इसी के साथ आ गए जनकपुरी। ये कुत्ता दिखा रहा है करतब। चलो, अरे ये कौन सा कुत्ता आ गया? ओहो ये तो मैं ही हूँ। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई दोस्त हो तो ऐसे जिगरी दोस्त, मस्त। अरे भाई 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 भाई, अरे इन दोनों की तारीफ क्या की, ये तो सर पे चढ़ गए। चलो भाई, हम तो पहुंच गए जनकपुरी, देख लो भाई नज़ारे नीचे के। चलो यहाँ पे पहुँचते भाई मेट्रो आ गई। चलो भाई मेट्रो में बैठा जाए। चलो आ गए भाई द्वारिका मोड़। नितेश को फ़ोन कर दिया था, नितेश नीचे पहुंच गया होगा, जब तक आपको नीचे के नज़ारे दिखाते हैं। भाई जो कहता है ना कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो, देखो भाई ये है दिल्ली। आओ कभी द्वारिका मोड़, तब आएगा मज़ा। अभी तो यही नहीं, आगे रिक्शे वालों को देखना भाई। ओहो बहुत सही, ऐसा लग रहा है एक रिक्शा दूसरे रिक्शे की चुम्मी ले लेगा। चलो भाई, अपने को क्या करना है, अपनी तो टमटम गाड़ी आई होगी। नितेश भाई साहब आ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। दे दो भाई जगह दे दो, पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है और नींद आ रही है अलग से। चलते हैं भाई घर चलते हैं।
दिख गए भाई हमें, नितेश भाई साहब दिख गए हैं। ये निकाल ली अपनी गाड़ी इन्होंने। चलो भाई पहुंचते हैं घर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।